वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीवन। और ये जो था हमारा आज का शूटिंग लोकेशन है, और हमारे भाई जी यहाँ पे, हमारे मॉडल सर और भाई भी आया साथ में, तो यहाँ थोड़ा सा फोटोशूट कर रहे हैं। एक्चुअली हम थोड़ा कुछ यूनिक लोकेशन ट्राई कर रहे थे, और सॉरी मैंने सुबह से कुछ व्लॉग नहीं निकाला। एक्चुअली अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 8 या 9 कुछ बज रहे हैं। तो यहाँ से ये हमारा एक पहला शूट लोकेशन है, यहाँ पे हम शूट करते हैं अभी। उसके बाद फिर दूसरे और 2-3 लोकेशन और भी खोज कर रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, और लगभग इस लोकेशन का शूट पूरा हो गया है। तो अब लोकेशन चेंज करते हैं यहाँ से। थैंक यू भैया बैग रखने के लिए दिए आप। लेफ्ट ब्लॉक चालू है। हेलो एवरीवन, आई एम सिद्धि चन्नागा, रनवे मुसाफिर। आप सब अभी देख रहे हैं रायपुर की ये मंडी, सबसे पुरानी मंडी। जितनी हिस्ट्री रायपुर की है उससे ज़्यादा हिस्ट्री यहाँ इस मंडी की है। ये कई सालों से यहाँ पर शास्त्री चौक के बगल में ही आप देखने को मिलेगा। इस मंडी में करने का मकसद हमारा ये है कि एक मॉडल भीड़ में दिखता कैसे है। अब देखते रहिए, ब्लॉग में धीरे धीरे अपडेट होगा क्या होने वाला है। हेलो एवरीवन, आई एम बैक। मेरे साथ है अभी विवेक साहू और भावेश चौहान। यस, तो अभी हम रायपुर मंडी में शूट कंप्लीट किए हैं। शूट का थीम बहुत अच्छा था, तो विवेक के ब्लॉग में आप देखते रहेंगे किस तरह से हम कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किए मंडी में। तो ये सब हमारे फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने आज बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया हमारी, और इनकी वजह से भी आज यहाँ पे का जो हमारा शूट था ये पॉसिबल हो पाया। और बहुत से लोग हैं यहाँ पे, और हमारे मॉडल मिस्टर क्षितिज चंद्राकर, भावेश, मतलब शूट करने का थीम अलग था, और मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो अभी हम आए हैं इस फेमस स्टॉल पे। यहाँ की इडली और वड़ा जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और काफ़ी पुराना है ये, बहुत सालों से चल रहा है हमारे 32 ईयर्स। तो अंकल जी, आप 32 ईयर से यही, मतलब यहीं इसी जगह पे लगाते हैं 32 ईयर्स? मतलब सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है, आदमी यहाँ पे समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 32 ईयर्स से अंकल ये चला रहे हैं स्टॉल, फेमस है। आओ कभी रायपुर आते हो तो एक बार विजिट करो इस जगह पर। सो हमारे भाई साहब चालू हो गए। रनवे मुसाफिर ऑफ छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं अन्ना जी की इडली, जो कि 32 साल पुरानी है। इसके स्वाद की गारंटी मैं खुद लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद यहाँ पिछले 15-16 सालों से आ जा रहा हूँ। इससे पहले मेरे पापा जी मुझे स्कूटर में बैठा करके लाते थे सामने में। इस इडली का इतना फ़ैन हूँ मैं, इतना फ़ैन हूँ कि एक टाइम था मैं डेली रोज़ सुबह आ करके 2 प्लेट इडली खा के जाता था। ये सब उनकी गवाही देंगे कि जाता था कि नहीं जाता था। अंकल जी के एक सबसे पैटर्न चीज़ है कि ये सिर्फ वाइट कलर के शर्ट पैंट पहनते हैं हमेशा। इनका एक और है जो कि सैम टॉकीज़ के बगल में है। बात क्या है यार, आओ खाओ मज़े लो, बाकी सब अपन देखते हैं, मैं तो मज़े ले रहा हूँ। अभी हमारा इधर का जो शूट था कंप्लीट हो गया, और आपने देखा अभी अभी अन्ना की इडली मैंने दिखाई, और काफ़ी टेस्टी रहता है। आप लोग मतलब जब कभी भी रायपुर आओ तो एक बार ज़रूर वहाँ पे जाके एक बार इडली और सांभर वड़ा ज़रूर खाना। तो हमारा नाश्ता भी हो गया है, और अब हम जा रहे हैं अपने सेकेंड लोकेशन की तरफ। तो जो हमारा सेकेंड लोकेशन है वो भी पहले लोकेशन की तरह बहुत पुराना है। बोल सकते हैं कि रायपुर की हिस्ट्री जितनी पुरानी है उससे भी पुराना है यहाँ के पास का एक गांव, जिस गांव का नाम है मुजगान सीज बहार। या जिस गांव में वहाँ के बहुत पुराने जो सेठ बोल सकते हैं या फिर ताऊ बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में गौटिया, 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 गौटिया। तो हम गौटिया के घर जा रहे हैं मुजगान। अनफॉर्चुनेटली वहाँ के गौटिया जो है वो मेरी दादी जी है, सावित्री देवी जी। दिस इज नॉट अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली। तो हम उनके घर जा रहे हैं, तो आपको अभी कुछ देर में हम मिलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के गौटिया के घर में। तो मिलते हैं वहाँ।
वेलकम बैक एवरीवन। तो दो लोकेशन पे जो थी हमारी शूटिंग पूरी हो चुकी है, और सेकंड लोकेशन का मैंने अपना कुछ निकाला नहीं क्योंकि वो थोड़ा सा सरप्राइज है। और भावेश भाई का हमारा ग्लूकोज की कमी हो गई है इसके बॉडी में, बीपी वाले आदमी ऐसा लग रहा है अभी फट गया है सिलाई कर। तो सामने खड़ी है हमारी कार, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, हमारे जो तीसरा लोकेशन है वहाँ पे जा रहे हैं यहाँ से, और वहाँ जा करके शूट करते हैं। और बॉस गर्मी में क्या बताऊँ, गर्मी जो है बहुत ज़्यादा हो रखी है। वेलकम बैक एवरीवन। तो आ गए हैं हम अपने तीसरी और लास्ट लोकेशन पे, लेकिन जैसा कि ये जगह दिख रहा होगा, लोकेशन क्या है ये बाद में पता चलेगा। क्या हम करने वाले हैं, कुछ यूनिक करने वाले हैं, कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। क्यों भाई, कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ करना है, कुछ तो करना है। अब देखना ये है कि ब्लॉग में आप अपडेट रहेंगे और आपको पता चल जाएगा क्या करना। आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं, और कैसा लगा आपने ज़रूर प्लीज़ कमेंट करिएगा। और हालत हमारी ख़राब हो गई, हमारे मॉडल की भी ख़राब हो गई, हमारे फोटोग्राफर भावेश भाई की भी हालत ख़राब है यहाँ पे। तो बिल्कुल लग रहा है भाई ग्लूकोज की कमी, ग्लूकोज की कमी, खाने की कमी, पानी की कमी, पीने की कमी, पानी की बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इतना भी कुछ सूख गया। ओके, तो आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। और अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले देखिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कीजिए। और बस तो इतना ही है और कुछ भी नहीं है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, देखिए मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल भी नीचे चल रहा होगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। तो अब निकलते हैं यहाँ से घर के लिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय।